बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोगों को जो पिछला एक्सरसाइज के जो पिछली लेक्चर का वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चले आज हम अपना नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 पे, जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके पास पूरी एक्सरसाइज है आपकी, और आज मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कॉपीज में, जो आपको समझाऊंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर एफ। चले अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जी अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है हमारा, जिसकी एक्सरसाइज का वो है 7359099910 एंड देन सेकेंड वैल्यू हमारी 2848585। अब हम इसकी क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। चले हम अपना स्टेप वन करते हैं, जो कि हमने करना है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट साइड से अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट करना शुरू करते हैं। अब देखें, जीरो में से हमने फाइव माइनस करने हैं, जो कि जीरो वैल्यू हमारी छोटी है, फाइव वैल्यू हमारी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जीरो हम कैरी, जीरो है हम वन कैरी ले लेंगे इधर से, ये हो जाएगा हमारा टेन। ये अब वन हमारे इधर कैरी लेने की वजह से, इसके जब हम इधर से वन से माइनस करेंगे वन, तो ये जीरो पर आ गया। देन टेन में से फाइव के, टेन में से अगर हम फाइव को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फाइव रिमेनिंग बचते हैं। देन अब ये हमारे पास जीरो था, जीरो और हमारे पास जो नीचे वैल्यू है वो एट है। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह जिस तरह हमने पिछले यूनिट वाले साइन में किया था, अब हम नाइन से वन कैरी करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टेन, और एट जो हमारा नाइन था वो रह जाएगा हमारे पास एट। अब साथ साथ इसलिए लिख के जाएं कि आप बाद में भूल ना जाएं कहीं, तो इस वजह से साथ साथ स्टेप करी जाएं आप। देन आपका है टेन, टेन में से एट के, ये देखिए अब आपको फिंगर टिप्स में देख ले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन में से आपने एट निकालने, आपको इसमें ये नहीं बचे टू। अब इसी तरह एट में से फाइव निकालने, देखें एट आपको इधर होता है और फाइव देख ले, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में से आपने और एट में से आपने फाइव निकालने, वन टू थ्री, आपके थ्री रिमेनिंग रह गए, साथ आपने कोमा लगा लिया, मैचो किया कोमे का। और ये देखिएगा कि आप अपने लाइन के नीचे ही लिखें, अगर आपकी वो जो कॉपीज जो मैथ वाली कॉपीज है, डिबे वाली कॉपीज है, तो आपको इशू नहीं होगा। अगर आप किसी तरह लाइंस वाली कॉपीज है तो आप इस तरह इसी तरह लिखें कि आपके ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू की वैल्यूज एक जैसी आए, सेम लिखी जाए कि आपको आगे पीछे ना लिखें तो आपको कोई मसला ना आए। अच्छा इसी तरह जैसे नाइन में से एट निकाले वन, फाइव में से फोर निकाले वन, अब हमारे पास क्या है, ये है थ्री और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एट। अब थ्री है तो हम सेवन से वन कैरी करेंगे, ये थर्टीन हो जाएगा, सेवन हमारे पास रह जाएगा सिक्स। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, थर्टीन में से एट निकालने, देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन में से हमने एट निकाल देने, वन टू थ्री फोर फाइव, हमारे पास फाइव रिमेनिंग बच गए। देन सिक्स में से टू निकालें, सिक्स में से टू निकालें फोर, तो ये आपका आंसर है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो कुछ इस तरह है, 4511325। अब एक चीज़ को मैं आपको एक और आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे हमारे पास ये फाइव फिंगर्स होती हैं, उसके अंदर फाइव फिंगर्स के अंदर हमारे पास 15 डिजिट्स आ जाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फाइव फिंगर्स के अंदर हमारे पास 15 डिजिट्स ईजिली आ जाते हैं, तो 15 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, डिजिट्स होते हैं हमारे पास। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली उसे काउंट कर सकते हैं, जैसे 15 इधर मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि 15 हमारे पास डिजिट्स होते हैं फाइव फिंगर्स के अंदर, तो आप इजीली उन्हें कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे आप इससे जैसा मैंने अभी किया था, ये 10 है तो 10 में से मैंने 8 निकाले तो 2 बचे में, तो आपको ना थोड़ा सा थोड़ी सी आपको ना उसे वो चाहिए प्रैक्टिस चाहिए कि आपका 5 को इधर आता है, 5 आपके इधर आता है, 3 आपके इधर आता है, इस तरह ना जब आप एक दो दफा काउंटिंग करेंगे ना हाथ में 1 2 3 4 5, इस तरह जब आप काउंटिंग करेंगे आपको ईजिली आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए आप अपना क्वेश्चन एफ करते हैं, जो है 4471479 07 और दूसरी वैल्यू है 3651 8 6 9 8। अब क्या करना है, अपने अब इसे सब्ट्रैक्ट करना शुरू करना है यूनिट साइड से अपने 7 एंड 8, 7 हमारी छोटी वैल्यू, 8 हमारी बड़ी वैल्यू, को हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 7 अब 0 है, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी थर्ड वैल्यू से अब कैरी करेंगे, 9 से हमने इधर कैरी किया, ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 8, अब 10 से हम कैरी करेंगे 7 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 17, ये हमारा हो जाएगा 9,
17 में से 8 हमने अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 17 में से, जब हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 9 आंसर आया। 9 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आंसर आया। 8 में से जब हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2 आंसर आया, कोमा 7 में से 8 अब फिर दोबारा वही आ गया तो हम क्या करेंगे, 4 में से 7 को, 4 में से 1 कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 गए 9, 3, 3 में से 1 गए 2, अब हमारे पास 1 है एंड देन 5 है। अब क्या करेंगे, हम 7 से कैरी करेंगे, हो जाएगा 11, में से 5 निकाले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 5 के 1 2 3 4 5 6, 6 हमने इधर लगाया, देन हमने किया कोमा लगाया, हमने ये हमारे पास 6 रह गया था, 6 में 6 के 0, देन 4 में से 3 के 1, देन 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये देखें आप थोड़ी सी स्पेस देकर लिखेगा, जिस तरह मेरे साथ हुआ है कि मैंने स्पेस थोड़ी कम दी हुई थी तो मेरा थोड़ा सा ये इधर से जाओगे थोड़ा सा ये आंसर जो है टेढ़ा हो गया, मतलब 6 के नीचे 0 नहीं आ पाया क्योंकि मैंने कोमा लगाना था और मैंने कोमा लगाने वाली नीचे स्पेस नीचे नहीं छोड़ी। तो हमने क्या करना है, आपने इसे थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है कि आपके लिए ईजी हो जाए ना, इस तरह भी लिखेंगे आंसर आपका सही है, आपका जो थीम है वो सही है, लेकिन अगर आपको अपनी इजीनेस चाहिए तो आपको इस तरह करना है। अच्छा बेटा, आपका ये एक्सरसाइज है जो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको जो नोट्स दिए गए 7th क्लास, आपको जो जून के नोट्स, जो आपको 7 ऑनवर्ड 7 जून से ऑनवर्ड जो आपको नोट्स मिले होंगे जून मंथ के, उसे आपने एक दफा लाजमी देखे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व आउट हुए हैं और जो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, इस लेक्चर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो रिमेनिंग आपको क्वेश्चन रहेगा वो आपने घर में दो प्रैक्टिस करनी है, घर में प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने टेबल नंबर 8 आपने याद करना, उसे आपने घर की रफ कॉपी में इधर जरूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपके टेबल्स भी पेपरों में इंक्लूडेड है, तो इस वजह से साथ साथ मैं आपको डायरी दे रहा हूँ जो आपने 8 की टेबल करने है, साथ आपकी 1 to 100 काउंटिंग है इन इंग्लिश, तो आपने 1 to 25 काउंटिंग जो है वो हमने स्पेल याद करने है, साथ हमने लिखना भी है क्योंकि आपके साथ साथ आप पेपर की रिवीजन भी आप साथ साथ करी जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।